सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में आज 26 फरवरी को बच्चों ने अपनी सोच को साकार रूप देते हुए विज्ञान, गणित व सामाजिक विज्ञान प्रदर्शनी की एक छोटी सी झांकी प्रस्तुत की है। इसमें सभी वर्ग के छात्र छात्राओं ने बहुत ही उत्साह से भाग लिया और अपने मॉडल को प्रस्तुत कर अपना, अपने समाज को और विद्यालय का नाम रोशन किया। इस प्रदर्शनी को 3 अर्जी में डॉक्टर DP सैनी, प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्र ज्ञाता देवानंद प्रसाद सिंह, गणितज्ञ व निशांत कुमार अर्थशास्त्री ने अपने अपने विवेक से सभी बच्चों से प्रश्न पूछा तथा सलाह देकर उन्हें प्रोत्साहित किया। इसके साथ ही विद्यालय की सचिव गीता शूथ ने भी बच्चों को खूब आशीष दिया। निदेशक प्रमोद कुमार ने बच्चों की प्रशंसा की और कहा कि यह प्रदर्शनी अन्य बच्चों के लिए काफी ज्ञानवर्धक होगी। इन बच्चों में प्रथम पुरस्कार वर्ग 9B के हर्षित कुमार के ग्रुप ने फ्यूचर मेगा प्रोजेक्ट के लिए, द्वितीय पुरस्कार भी वर्ग 9B के ही सुशांत ग्रुप ने एपेक मॉडल के लिए तथा ऋषिकेश ग्रुप ने सेवेज प्लांट के लिए प्राप्त कर अपने ग्रुप सदस्यों के साथ प्रसन्न होकर खिलखिला उठे। अंत में प्राचार्य सुभेद कुमार ने सभी बच्चों का हौसला अफजाई करते हुए कहा कि बच्चों ने अपनी परिकल्पना से यह संदेश दिया है कि समय और संसाधन मिले तो इन्हें परिकल्पित किया जा सकता है। Our honorable teachers, principals, and all supporting staffs, including the tent man, and a special congratulations to you, and thanks to your parents. खासकर जो मैंने देखा अभी, science का छोटा सा अर्थ है या education का छोटा सा अर्थ है कि जीवन को आसान सुचारू कैसे बनाए। Science या किसी भी चीज का ये उद्देश्य है। इसमें ध्यान रखना, किसी भी कंट्री का स्ट्रेंथ दैट इज मार्क्ड बाय द रिसर्च वर्क। आपके अंदर रिसर्च वर्क कितना हो पाता है। अभी बच्चा विंड का इस्तेमाल करके ट्रेन का किया, इकोलॉजिकल बैलेंस के बारे में बताया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बताया। बच्चे कोरोना में अपने रेगुलर पढ़ाई के ट्रैक से बिल्कुल अलग हो गए थे। अभी सरकार ने अवसर दिया तो हमारे सारे बच्चे यहाँ आने लगे। यह जो एग्जीबिशन है हमारे यहाँ वार्षिक तौर पर हुआ करता था, लेकिन पिछले 2 वर्षों से ऐसा कुछ नहीं हो पाया। तो जब ये बात बच्चों के सामने आई तो उन्होंने इसको सहर्ष स्वीकार किया और तय किया गया कि हम वार्षिक प्रदर्शनी लगाएंगे। और इस क्रम में प्रोग्राम बना, बच्चे इसमें सहयोग दिए, टीचर मिले और बच्चे ने अपने जो ज्ञान है, सीमित ज्ञान, शिक्षक के सहयोग से भरपूर उपयोग किया और उसका वर्किंग नॉन वर्किंग मॉडल हम लोगों के लिए बनाया। हमारे सारे बच्चे आज सुबह से बारी बारी से आए, इसको देखे, कुछ नई बात सीखे। बहुत सारी ऐसी बातें बच्चों ने दिखाई जो कई मायने में मैं भी नहीं जानता था, जो आज इसको देख करके सीख पाया हूँ। और इससे बच्चों में साइंटिफिक टेम्परामेंट, साइंस डेली लाइफ के लिए कैसे उपयोगी हो सकता है, इसका बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। और इसके लिए सारे बच्चे, हमारे शिक्षक बधाई के पात्र हैं। और अगर यह सब चीज़ हम लोग अपने जीवन में उपयोग में लाएं तो कोई दो मत नहीं है कि भविष्य में हम आत्मनिर्भर भारत की जो बात करते हैं उसमें कहीं कोई कमी रह जाए।